यस, सो वी हैव पावर हाउस ऑफ सीएमएफ फाइनल ऑल इंडिया रैंक, स्टार्टिंग विद डिंपल अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 8, देन वी हैव प्रिया प्रसाद ऑल इंडिया रैंक 44, करण इज ऑल्सो यार, करण गर्ग ऑल इंडिया रैंक 24, जिशान ऑल इंडिया रैंक 19. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. अब सबसे पहले आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके ये बताइए कि आप लोग कहां से हैं और क्या क्या रैंक है. रैंक तो मैंने बता ही दिया, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुन करके और अच्छा लगेगा. सो वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर रैंक, डिंपल? हेलो एवरीवन, आई एम डिंपल अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 इन सीएमए फाइनल्स एंड आल्सो आई बैग्ड अ रैंक ऑल इंडिया रैंक 4 इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. यस, एब्सोल्युटली. प्रिया. हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया प्रसाद एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 44 इन सीएमए फाइनल्स. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन असम. मेनी ऑफ यू मे नॉट हैव हर्ड द नेम आल्सो, इट इज फ्रॉम तिनसुकिया. Hello everyone, my name is Ishan Ahmed. I am from Kolkata and I have secured All India rank 19 in CMA final. So it is the first time I have secured. I have never dreamt of securing a rank, but I've always dreamt of meeting with sir. It was my dream since I was in CA Inter, and by God's grace, I have achieved it. Thank you so much for your kind words, Ishan. And if you're living in Kolkata, to aap milne kyun nahi aaye? Dimple milne aayi aaj subah. Sir, actually, sir, presently I'm not in Kolkata. I'm in Arunachal Pradesh. Okay, whenever you return back to Kolkata, whenever you return back to base, surely meet me. Sure, sir. Yes. Karan. Hello, friends. My name is Karan Garg and I live at Delhi. And starting with my education, I am not many students who are from regular background. I do my all education from open background. And this is a big achievement and big time for me when I secured All India rank 35 in intermediate, both were first attempt, and in final AIR 24 in both were first attempt. Thanks, sir. Proud of you, Karan. Proud of you. And we have Rohini J, AIR 3. Yes, sir. Hello, sir. I am Rohini J and I've secured All India rank 3. In intermediate, I couldn't give both groups together, so I don't have a rank there. But fortunately, so you took a lesson out of there, huh? And gave both the groups together in final. Yes, sir. So great. I'm really blessed and I'm really happy that I'm speaking to sir right now, because it's an honor for me and as well as for my entire family. The pleasure is all ours. Ayush. Okay, Ayush has joined. I think so. Ayush has joined. He's connecting his audio. So it is a total power packed house. So सारे secrets आज बाहर आने वाले हैं. सब कुछ हम लोग decode करने वाले हैं. और एकदम देखो CMA final में rank इन लोग का है. तो अब इन लोग हो सकता है इंटर में रैंक लाने के बाद इन लोग अपना सीक्रेट्स नहीं बताता, क्योंकि इनको फाइनल में रिपीट करना था. बट फाइनल में आ गए, तो फाइनल में आने के बाद तो अब कुछ बचा नहीं, तो इन लोग अपना दिल खोल करके सारा सीक्रेट जो है वो शेयर करेगा. आई होप सो. आयुष, यू आर टोटली अपसाइड डाउन बिकॉज ऑफ द रैंक, बट नाउ यू आर इन आवर फोकस. करेक्ट. सो आयुष अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 2. आयुष, टेल आवर व्यूअर्स वेयर आर यू फ्रॉम. सर, आई एम फ्रॉम सूरत. सूरत, राइट. मेरे को तो पता है भाई, ये मत सोचना कि सर को बार बार बताना पड़ता है, मेरे को तो पता है भाई. अच्छा, तो अभी यहाँ पर सारे रैंक होल्डर सीएमए फाइनल की इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है. आयुष भी है रैंक 2, रोहिणी है रैंक 3, डिंपल इज एआर 8, विद्या भारती एआर 12, कुडंट करेक्ट टुडे, ईशान अहमद. अच्छा, जिशान जे साइलेंट है ना, ईशान जेड साइलेंट है ना, आई मीन टू से ईशान जेड साइलेंट. नहीं सर, मेरा नाम जीशान है सर. जीशान, करेक्ट. सो जीशान एयर 19 इज हियर, करण एयर 24 इज हियर, नीरज इज मिसिंग दिस इवेंट, एंड प्रिया प्रसाद एयर 44 इज आल्सो हियर. ग्रेट, ऑसम. तो भाई सबसे पहले मैं करण के पास जाना चाहूंगा. करण, तुम बता रहे थे कि काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा तुम्हें,
ठीक है, तुम कुछ बैकग्राउंड वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करो। यस सर, सर आई डू माय 10th एंड 12th फ्रॉम ओपन स्कूलिंग, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई गो फॉर इट एंड। अच्छा, तुमने नॉर्मल ओपन बोर्ड से क्लास 10 और 12 दिया? यस यस सर। एट दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट एवर डू इन माय लाइफ, बट आई जॉइन एमिटी फॉर बीबीए and in my third year I plan for MBA, but my brother guide me to do CMA, so I go for it because when someone from regular viewers background, please yahan par jo hai main yahan par bolna chahunga ki class 10 11 12 normal yes. school mein nahi padhne ke bawajood bhi aaj is maqam par karan hai maujood, theek hai na? So we should appreciate it, ignoring the tenses in the sentences, right? Yes. So, what inspired you? कैसे रैंक लेकर के आए करण? सर, इंटर में जहाँ मैंने कोचिंग्स वगैरह लिए थे तो वहाँ मैंने मतलब कोर्स के बारे में काफी जाना, फिर मेरी इंस्पिरेशन इसको लेके बढ़ी एंड इंटर में जब रैंक आई सर, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। अच्छा, इंटर में भी तुम्हारा रैंक था? यस यस। तो सर मैंने इसके लिए मतलब मैं रैंक का मैं वैल्यू समझा, तो मैंने कंसिस्टेंसी उसके लिए कि फाइनल में भी रैंक लानी है और इम्प्रूव करनी है, तो देन सर आई गॉट 35 24 फ्रॉम 35। ऑसम, हैट्स ऑफ, जबरदस्त। तो जहां यू नो जज्बा हो ना, तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हो ना, बट जज्बा अगर अनलिमिटेड हो ना, तो यू कैन अचीव इवन द स्काई। ओके, यस डिंपल, यू आर आल्सो वन ऑफ दोस स्टूडेंट हु हैव who managed to secure rank in intermediate level also and final level also, AR4 yeah. and 8 respectively. How did you do that? So intermediate mein when I joined to mereko laga hi tha ki dono group saath mein dena hai and wo tum peeche pad pad karke dilwate the. Yes sir starting mein jab class mein aaye the to yahi sune the sabse pehle aapse ki dono group saath mein dena hai tab bhi rank aata hai, to ye jab starting hi ki the back of the mind yahi tha ki dono ko dena hai एंड सर जब इंटरमीडिएट में रैंक आया तो फाइनल में तो कोई सेकंड थॉट था ही नहीं कि मतलब अलग अलग ग्रुप देना है अपने को, तो स्टार्ट वो फाइनल भी उसी तरह प्रिपरेशन हुआ कि मतलब इंटर में 4 है और प्रेशर था सर, मतलब इंटर में रैंक आ जाता है ना फाइनल में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि नहीं अब तो करना ही है करना ही है। हाँ, नहीं तो सर, लोग बोलेंगे तुक्का लग गया था इंटर में। हाँ एग्जैक्टली सर, ये तो बैक ऑफ द माइंड था ही कि मतलब ये तुक्का वाला चीज नहीं सुनना, अपने को बहुत अच्छा करना है तो रैंक के लिए। एंड डिंपल से काफी एक्सपीरियंस हम लोग को मिलेगा बिकॉज ये सारा वैरायटी जो है ना सारा एनवायरनमेंट में एग्जाम्स दिए, इंटर का ऑफलाइन एग्जाम था। अच्छा, तुम लोग सब सभी का मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट ऑफलाइन ही रहा होगा? यस सर, यस यस, कोई बैक टू बैक एग्जाम नहीं होगा, सभी का इंटरमीडिएट ऑफलाइन था? मेरा ऑनलाइन था। यस यस, जिशान तुम्हारा ऑनलाइन था? जी सर। तो तुम इतना कम समय में दे भी दिया? सर एक्चुअली सर हम सर सीए फाइनलिस्ट है सर, मेरा इस अटेम्प्ट में सीए फाइनल भी पेंडिंग था, क्योंकि एग्जाम क्लैश हो गया था सर, तो हम सोचे कि सीए में फाइनल देंगे क्योंकि कंसीडरिंग। Coming to Priya. Yes, Priya. From Tinsukia. Sir, मैंने CMA Inter कोलकाता से किया है, आर्टिकल भी कोलकाता से ही किया है, but I belong from there. अभी सर मैं कोलकाता में ही हूँ, ऐसा नहीं है सर आसाम में हूँ. And सर इंटर में जब मैंने इंटर क्लियर कर लिया था तब मुझे सर आपके बारे में पता चला. एक्चुअली सर मैं गिरिश पार्क में रहती थी उस टाइम, फिर मुझे मालूम चला कि मेरे घर के पीजी के इतने पास ही आपका वो सेंटर था, तो मुझे पहले गाइडेंस नहीं मिला था कुछ भी आपके बारे में, तो तब था कि ठीक है कोई नहीं फाइनल में आपसे क्लासेस लेंगे. तो जब सर फाइनल में गए तो फिर इंटर में मैंने सेपरेट ग्रुप्स दिए थे, अगर साथ में देखी तो क्या पता वहाँ रैंक आते, सारे सब्जेक्ट्स में एग्जम्पशन थे सर, अच्छा था सर, ऑल 8 सब्जेक्ट्स में एग्जम्पशन थे. तो उसके बाद फिर से फाइनल के लिए जब हुआ तो मैंने आपसे क्लासेस लिया, और सर आपको तो कॉल पे बताया था कि आपके जो पुराने इंटरव्यूज थे विनय कुमार सिंह भैया उनके बारे में मेंशन किया था मैंने, उस इंटरव्यू को तो मैंने कितने बार देखा है कोई काउंट ही नहीं है मेरे पास, जब भी पढ़ने को दिल नहीं करता था तो वो इंटरव्यू प्ले करके देखती थी मैं कि चलो ये देखेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए. विनय सिंह विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू योर कमेंट, एंड विनय इज अ वंडरफुल बॉय एंड ही ऑलवेज रिमेंस इन टच विद मी इवन टिल नाउ, यू नो साक्षात देखा था मतलब, और क्या केमिस्ट्री था देखे थे एग्जैक्टली, वो मुकेश भैया और विनय भैया का एग्जैक्टली सेम. सर
सर आपने जो जेवियर से प्रोग्राम कंडक्ट करवाया था फेलिसिटेशन, हाँ हाँ तो सर वो भी मैंने अटेंड किया था, मेरी फ्रेंड एक क्लास करती थी आपके पास सीएस का, तो उसके थ्रू मैंने अटेंड किया था, तो सर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटर में इंटर, तब मैं इंटर एग्जाम दे चुकी थी, या इंटर एग्जाम दे रही क्लासेस ले चुकी थी कहीं और में इंटर के लॉ के लिए, तब मुझे पता चला कि अच्छा सर का सेंटर इतना सामने था जो मिस हो गया, पता नहीं चला तब। कोई बात नहीं, फाइनल में आ गए, देर आए दुरुस्त आए। हाँ सर जी सर, और रैंक भी लाए, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ क्या बोल रहे हो सर? जब एग्जाम के पहले से सबके माइंड में होता है कि बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो रैंक के लिए एम करेंगे, yes. तो एग्जाम जैसे गए उसके बाद तो था कि सीएफआर में पास हो जाए तो वही बहुत है, तो पास होने के लिए भी श्योरिटी नहीं था सीएफआर पेपर की वजह से। और सर सीएफआर पेपर के दिन मेरा बर्थडे था, तो एग्जाम दे के आए और केक डेकोरेशन के साथ मेरा वेलकम हो रहा था और मैं रो रही थी, तो सर हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बट ठीक है सर आ गए रहे। हालात तो अच्छे नहीं थे बट यही तो एडवर्सिटीज में जो है ना चैंपियन का पता लगता है। आयुष योर थॉट्स। सर मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि सर जैसे मैं 12th निकला था तो जैसे सूरत में सर आपको पता होगा कि बिजनेस हब है। हाँ बिल्कुल, हमारी वहाँ पे जॉब का कुछ कल्चर नहीं है सर, तो जैसे सर मेरे को भी मेरी भी फैमिली बिजनेस से बिलोंग करती है, तो हमें तो बोला था कि दो ऑप्शन है कि या तो बिजनेस करो या तो जॉब मतलब पढ़ाई करो, तो फिर सर मुझे बहुत लोग बोलते थे कि अगर बिजनेस करना है तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है सर, मेरा मानना करना तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है सर, मेरा मानना था कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सर, मतलब पढ़ाई की सर, आपको फाइनेंस कॉस्टिंग टैक्स स्केलिंग में दिक्कत आएगा, अगर पढ़ाई का नॉलेज नहीं है तो स्केलिंग में दिक्कत आएगा। थोड़ा बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना है तो सर आपको अपनी जो भी बेसिक एजुकेशन है सर उसकी जरूरत चाहिए, तो मैंने सोचा कि सर 12th तक तो ठीक है कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई सर, मतलब स्कूल से आते थे सर दो दो घंटा पढ़ के निकल जाते थे, तो लगा कि एक बार तीन चार साल अच्छे से प्रोफेशनल प्रोफेशनल लोगों की तरह पढ़ूं, तो सर मेरा कोई ऐसे AIL लाने का मन नहीं था, पर सर था कि अच्छे से पढ़ना है, तो बस सर वही अच्छे से पढ़ रही थी सर, अभी आ गया मतलब सर अनएक्सपेक्टेड था बस सर, बस अपना बेस्ट दो एंजॉय करके पढ़ो, बस आ गया बस एंजॉय करके ही पढ़ रहे थे। मेरे को याद है जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट निकला तो तुम खेलने गए हुए थे, मतलब ठीक है रिजल्ट निकल गया इट्स ओके, अब खेलना भी जरूरी है, तो आराम से लाइफ को एंजॉय करो मस्त जियो। यस रोहिणी योर अप्रोच। Yes, so just like what Priya had mentioned, I think even after the CFR paper, I would like to reiterate the fact that it was the same for every student, I guess. Yeah. I came back home crying and my parents got very worried that what am I going to do for the next exam, because, you know, we had to give 8 days continuous papers. So, yeah, I think this was a very different experience for me. In intermediate, I had given offline exams and I just prepared for like 2 months before giving my intermediate papers. And I scored exemption in both groups, all subjects. So that was kind of like a motivation for me that if I can study for just 2 months and then get exemption in all of the subjects, then maybe I can aim for a rank in final. But when I was preparing, I understood that the syllabus is like humongous. And I don't think it's easy for us to solve even the MCQ part, because the guidance given by the institute was that in section B you'll have to write just one word answers. Yeah, but it was definition sort of questions. Yes, there were certain questions wherein it was clearly mentioned that explain why you are giving this answer. So that kind of took a lot of time, and also our education also comes into picture. For example, strategic management that you guys must have read at the intermediate level. That strategies are partly proactive and partly reactive. You'll have to react as per the circumstances. Definitely, sir. Definitely. And also, there is no one strategy that will work for everyone. We have to modify all of the strategies that will fit our environment and our system. So yeah, right. That was my experience, and I really actually now when I'm speaking to you, I think that I enjoyed it, but at that point of time I was really worried that maybe this time I won't be able to clear either to one or more subjects, or maybe I won't be getting a rank.
So I'm really happy and really grateful that I've secured All India Rank 3, and this has come like a shock to me. So I'm really grateful for it. Great, great, awesome. इसके अलावा आई वुड लाइक टू थ्रो दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस, दैट सीएमए फाइनल बोथ ग्रुप, व्हाट इज, टेल मी ऑप्टिमम नंबर ऑफ मंथ्स टू प्रिपेयर, ऑप्टिमम नंबर ऑफ मंथ्स टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम द स्क्रैच. लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो दे वांट टू गिव द एग्जाम्स इन अ हरिड मैनर, दैट ओके आई विल प्रिपेयर इन 6 मंथ्स एंड गिव बोथ द ग्रुप्स, सो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम नंबर ऑफ मंथ्स. द आंसर्स मे डिफर ऑब्वियसली. सो इफ आई एम अलाउड टू स्पीक, I would like to point out the fact that for me, I am the kind of person who likes to give full attention to something that I am doing. You know, this course deserves your respect. This deserves your time. And you should give minimum 1 year if you are preparing for a rank. Correct. You have to give yourself minimum 1 year and revise 3 to 4 times the entire Correct. Subject. And not just flipping through the pages, but the thorough revisions. So you need at least a year to prepare for these exams. But I have heard a lot of students saying that, you know, they take only 3-4 months and they prepare the entire group, or maybe they prepare. No, I'm totally against that, Rohini. I would always advise students that yes, you have to give 1 year or perhaps 1.5 years, and then you should sit for your CMA final. Yes, sir. I hold the same opinion, sir. Ayush? Yes, sir. How many months, according to you, is optimum? Sir, 8 months. 8 months. Okay, 8 months of completion and 4 months of revision. We'll extend it to 1 year. Dimple? Sir, I agree to the views of Rohini J. Like, I took 1.5 years for after my intermediate examinations to give the final exam. And 3 to 4 months of self-study is enough for the for getting good marks. Sir. Perfect. That's perfect. And... प्रिया, करण एंड जिशान, तुम लोग मेरे को ये बताओ कि भाई सीएमए फाइनल लेवल पर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सीएमए फाइनल लेवल पर तो गूगल ड्राइव एंड ऑनलाइन क्लासेस ही जो है ना वो फेवरेबल रहता है. इनफैक्ट इंटर लेवल पर फेस टू फेस लाइव एट होम गूगल ड्राइव में सब देता हूँ, बट फाइनल लेवल पर मैं बच्चों को खुद बोलता हूँ, आप लोग को खुद बोलता हूँ कि भाई मेरा गूगल ड्राइव ही लो, ठीक है, गूगल ड्राइव क्लास लो, पेन ड्राइव क्लास लो, बिकॉज उसमें आप अपने इंटर में बचपना रहता है, बट इंटर पास कर गए, now the stakes are really very very high, you know ki you are just one shot away, to wahan par motivation ka utna kami nahi rehta hai, because you know one exam and you are going to prefix CMA against your name. So online classes like pen drive, google drive are best, because face to face mein office bhi rahega aap log ka, to bahut time manage karna bahut dikkat wala baat ho jata hai. Your opinion, Priya, Jishan and Karan, on this? सर, मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट ट्यूशन कोर्स के लिए थे, लाइव लिए थे मैंने, और उसी टाइम मेरी ट्रेनिंग भी चालू हो गई थी एक पीएससी में कोलकाता में ही. तो सर वो बहुत डिफिकल्ट था, शेड्यूल मेरा ये हो गया था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे निकलती थी पीजी से, 7 बजे क्लास स्टार्ट होते थे, 7 से 10 ट्यूशन करती थी, 10 से 6 साढ़े 6 तक ऑफिस करती थी, फिर पीजी आते आते 8 बज जाते थे. तो सुबह 5 बजे उठ के फिर 8 बजे पीजी पहुंचना, वो शेड्यूल था. तो उसकी वजह से बीच में लाइव क्लासेस बहुत मिस हुए, तो फिर बैकअप्स करने पड़े, तो अल्टीमेटली बहुत मैसअप हो गया था. तो आई थिंक पेन ड्राइव क्लासेस ही सही है फाइनल के लिए, अगर ट्रेनिंग कर रहे हो आप तब. लॉ का फिर मेरा गूगल ड्राइव ही लिया होगा. हाँ सर, आपका तो सर लॉकडाउन के टाइम पे लिया था सर, तो गूगल. बढ़िया किया, बढ़िया किया. जिशान, तुम्हारे लिए सवाल ये है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ना चाहिए बेटा? Optimum number of hours during self study or throughout? Both. During tuition time and during revision time. Tuition time to sir 3 ghanta must be will be sufficient sir. Ek subject aur do tuition mein chala ja raha hai aapka, samajh lo 6-7 ghanta to. To ek subject ke liye 3 ghanta sufficient hai sir, aur during sir exam time agar hum log sir 8 to 10 hours bhi sahi se devote kar paaye to that is optimum sir. I don't think 15 or 16 hours is a myth. Absolutely. 8 se 10 ghanta bahut hai agar productive. For that long, 8 to 10 hours is maximum. If you can concentrate, it is more than enough, sir. Awesome. Karan, तुम पढ़ाई के साथ साथ कुछ training वगैरह, job वगैरह भी कर रहे थे क्या? Yes, sir. I joined in IOCL and completed my articleship from there. Great. And when I know price of something, sir, we all take care very seriously of anything. Yes, बिल्कुल सही. मतलब स्टेक्स वर वेरी हाई, तो तुमको पता था तुमको अपना बेस्ट देना ही है, और तुमने दिया भी.
एंड सर मोड चाहे कोई भी हो क्लासेस का ऑनलाइन ऑफलाइन, सर ये मैंने खुद रियलाइज करा है। इंटर में मेरी सारी क्लासेस ऑफलाइन हुई थी, बट जब हम करना चाहते हैं किसी चीज को या हमारी पूरी डेडिकेशन होती है उसमें, देन अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी अवेलेबल है तो सर हम खुद भी बुक्स उठा के एफर्ट्स डालते हैं। बिल्कुल, बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है। बिल्कुल आई एग्री, डिंपल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, उसका इंटर का सारा ट्यूशन ऑफलाइन था, फाइनल का सारा ट्यूशन ऑनलाइन था। यस यस, क्या फर्क महसूस किया डिंपल? सर यही था, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता था फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस जाके करने में और घर में बैठ के करने में। एंड सर एज सच कुछ डिफरेंट नहीं था, मतलब वहां पे भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर कुछ होता है ना कि एक बार वापस से देखने का मन किया तो वो भी ऑनलाइन, मेरा जोश बरकरार था दोनों जगह। यस सर, एकदम फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सर। चलो बहुत बढ़िया। Any last minute tips that you would like to give to the young students जिन्होंने अभी अभी intermediate clear किया है and final में उन्होंने कदम रखा है? So in fact, I would like each one of you to give the tip, starting with Rohini. Yes, sir. So I believe that in inter the syllabus is considerably lower than what you have to face in final. So you don't have to get intimidated by the amount of syllabus that is there in final. You can still hope for a rank. You can still be disciplined and aim for that rank, and you will definitely get it. And just keep a positive attitude. This is what I have always been saying to a lot of people, that just keep a positive attitude no matter what is happening in your life. Even if the things are going just in the opposite direction, I would really suggest you to keep a straight face, keep a game face on, and always believe that you have the capability to achieve a rank, and that is it. That will be my advice. Ayush. So, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि अगर उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला तो सर जो प्रोसेस था जो मैंने बताया सर, सिमिलरली वही फॉलो करना चाहिए सर। और उनको साथ साथ में ये भी समझना चाहिए कि सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बहुत करनी है साथ साथ में, ऐसा नहीं कि सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करनी सर। थियोरी बहुत सारे लोग फाकी मार देते हैं। हाँ सर, बहुत लोग मारते हैं सर। अगर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो सर आगे जाके जॉब में उनको लोचा आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, सही बात। जिशान। यस सर। पहला चीज तो सर स्टे कंसिस्टेंट, और एक चीज इंसान को समझ लेना चाहिए सर कि लाइफ इज नेवर फेयर। तो वी कंप्लेंड अबाउट सो मेनी थिंग्स, रादर वी शुड थिंक व्हाट वी कैन अचीव विद द रिसोर्सेज वी हैव। वी कैन नॉट कंट्रोल द मींस, जो हम लोग के कंट्रोल के बाहर है उसको हम लोग सोच नहीं सकते। तो सिचुएशन जैसा भी रहे वी शुड गिव आवर बेस्ट। और सर SPM BV का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि योर सक्सेस क्या है, कि आपका एफर्ट्स और आपका जो लक है इनका जब मर्जर होता है सर, तो जो सिनर्जी इफेक्ट मिलता है वो अल्टीमेट सक्सेस होता है। Absolutely, तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज सर, फाइनल में थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर करना सर मतलब सुसाइड है सर। स्पेशली लॉ का सिलेबस तो सर इतना बड़ा है, इम्पॉसिबल टू डू इन लास्ट डे। उनको पता था सर एक ही टीचर है जो हमको लॉ और ऑडिट पास करवा सकते हैं, और कोई नहीं है इंडिया में। नाम बता दो भाई, लोग डाउट करने लगेंगे। वो टीचर आपके बिल्कुल सामने क्योंकि सर आपका मैराथन वाज नेवर अ मैराथन सर, वो तो फुल लेक्चर से भी ज्यादा बेटर होता है सर। फास्ट ट्रैक तो छोड़िए, फुल लेक्चर से भी बेटर होता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। डिंपल। यस सर, आयुष ने जैसे बोला सर, इंटरमीडिएट के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एकदम करना चाहिए, ये नहीं कि स्किप कर दिए। इंस्टीट्यूट बहुत बार एग्जेम्प्ट कर रहे हैं फाइनल के लिए अपना ट्रेनिंग, बट अब हम लोग को खुद से चला के अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम्प्लीट करना चाहिए क्योंकि वो कैंपस में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली सर, ट्यूशन ट्रेनिंग के साथ साथ ही कम्प्लीट कर लो ताकि उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी लेके कम्प्लीट कर सको रैंक लाने के लिए। बिल्कुल करण। सर मैं फ्रेंड्स को ये गाइड करना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले जो डेज होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, उस समय टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे जैसे बोथ ग्रुप हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूस 8 एग्जाम्स होते हैं एट दैट दिन। इन दिस अटेम्प्ट आवर सेंटर्स आर 40-50 किलोमीटर्स अवे, तो इट इज़ वेरी टिपिकल टू मैनेज टाइम। मैं यही गाइड करना चाहूंगा सर कि हमें
बिफोर एग्जाम टू टू थ्री मंथ इस तरीके से अपनी समरी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए कि उस 12th और 8 टू 10 आवर्स में हम सिलेबस अपना पूरा रिवाइज कर पाए उन 8 डेज में. जबरदस्त, क्योंकि सर वो ही सबसे क्रिटिकल टाइम होता है जब हमें 3 टू 4 आवर्स की स्लीप मिलती है एंड उस समय सब मैनेज करना होता है, क्योंकि उस समय हम रिस्क नहीं ले सकते उस चीज का कि हम ये छोड़ जाएं या वो. अगर हमारे पास समरी नोट प्रिपेयर होगा तो हम मेजर सिलेबस कवर कर लेते हैं. बहुत बढ़िया बोले प्रिया. सर कंसिडरिंग द ऑनलाइन पैटर्न जो भी चल रहे हैं, मैं उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स बोलना चाहूंगी. पहला तो सर अभी तक क्लैरिटी नहीं है रफ शीट चेक होते हैं या नहीं वर्किंग पेपर्स, तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि प्रैक्टिकल पेपर्स में अपने को ये करना चाहिए कि सपोज मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, मैं बता दूं मेरे हिसाब से नहीं होते हैं. हाँ तो सर वही सब कोई क्लैरिटी नहीं है तो नहीं होते हैं. अगर तो कैसे होंगे आप बताइए रफ शीट जो है वो कैसे चेक होंगे. लॉ जैसे सब्जेक्ट में हम लोग ने रफ शीट में एक वर्ड भी नहीं लिखा था, जो भी था सर उसी में था कंप्यूटर में. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्रक्स यही है कि रफ शीट चेक नहीं होते, चेक नहीं होते. हाँ, बहुत तो सारा कंफ्यूजन है इसके ऊपर, इसका फाइनल आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, रफ शीट इवैल्यूएट नहीं होते. तो सर प्रैक्टिकल आंसर अगर हम बस एक वर्ड में मेन आंसर लिख रहे हैं तो अगर वो रॉन्ग हो गया तो फिर जीरो हो गया, तो फिर स्टेप मार्किंग का सेम स्कीम नहीं है. तो मेरे हिसाब से कि थोड़ा इलेबोरेट करना चाहिए कुछ, अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें तो अगर वो फॉर्मूला को लिखना पॉसिबल है तो आप उसको लिख दो, उस फॉर्मूले को लिख दो और अपने बेनिफिट के लिए लिख दो कि अगर वो एक बार में नहीं आए तो आप फिर उसको देख सको कहां गलत हुए. बट रफ शीट्स आर नॉट गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड, दे आर नॉट इवैल्यूएटेड. नहीं सर, सॉफ्टवेयर में से ऑनलाइन आप वो फॉर्मूला को लिख दो. अगर आपको जीरो मिल रहा था तो आपको क्या पता वन मार्क्स मिल जाए उस फॉर्मूला के लिए, मैं वो बोल रही हूँ सर. नहीं बेटा जब एग्जाम्स होता है ना तो चेकिंग भी जो है ना वो ऑटोमेटेड होता है. हाँ जैसे सर, जो गूगल फॉर्म्स वगैरह जैसे इवैल्यूएट होता है ना सेल्फ इवैल्यूएट, अगर सॉफ्टवेयर में एग्जाम्स हो रहा है तो सॉफ्टवेयर ही चेक करता है. इवैल्यूएशन भी जो है ना ऑटोमेटेड होता है. इवैल्यूएशन इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेशन कि अगर ये लिखा है तो ये नंबर मिलेगा, ये लिखा है तो ऐसा नंबर मिलेगा. बट ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट कि अगर इसके ऊपर और क्लैरिटी दिया जा सके इंस्टीट्यूट द्वारा तो पक्का से जो है फॉर्मूला वगैरह कुछ तो लिख करके आओ भाई, कुछ तो लिख करके आओ, छोड़ करके मत आओ. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है. सर मैं सर आपके मैराथन वीडियोस, कंपनी लॉ के मैराथन वीडियोस सर वो जितने बार हो सके देख लो कंपनी लॉ पूरा. हाँ क्योंकि भले देखो प्रिया तुमने क्लासेस मेरे से ले रखा था बट इतना ह्यूमंगस सिलेबस रहता है कि उसको समेटना भी तो पड़ेगा ना हम लोग को. समेटोगे नहीं तो होगा कैसे. जी सर. करण. सर मैं एक पॉइंट स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा. जैसे मैंने समरी नोट्स के बारे में अभी बताया था, इस चीज के लिए मैं आपका मतलब काफी थैंकफुलनेस हूँ अपनी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि आपके नोट्स जो आते थे ग्रुप में वन डे बिफोर एग्जाम टू डे बिफोर एग्जाम, आई सो योर यस सही आई सो योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नोट एंड आई मतलब पूरा मैंने उसको रात में रीड करा एंड रस्ते में जाते जाते भी सर मैंने उन 10 to 15 पेजेस में अपना पूरा 15 मार्क्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिवाइज कर लिया था. तो वो नोट सर बहुत हेल्पफुल रहे लो में हमारे लिए. आपने हर चैप्टर के मोस्टली पोस्ट कर दिए थे ग्रुप में. थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स. नहीं तो उसका मैं एमईपीएल वन मोर पॉइंट टू मेक. ओके प्लीज प्लीज गो अहेड. सर मैं एमईपीएल के बाकी फैकल्टीज को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, गौरव सर, दिव्या मैम, क्योंकि सबने एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक हमारे साथ नहीं छोड़ा. एक दिन पहले भी वीडियोस आते थे, इतना वो नोट्स प्रिपेयर करना, ग्रुप पे भेजना, फिर देखना कि हाँ इनको प्रॉब्लम हो रहा है, रिप्लाई करना. तो सर वो शायद ही और कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी उस टाइम पे, मुझे नहीं पता और किसी के बारे में. तो सर सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, गौरव सर, दिव्या मैम, सबको. थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट. थैंक यू सर. It will surely motivate the entire team. Yes, Rohini. Yes, sir. One last point that I would like to add. If possible, just with respect to different subjects, just make very short notes and paste it on your wall. I used to do that. And, you know, by the time my exams came, I had revised those formulas, especially with the SFM paper. There were a lot of formulas with respect to portfolio management and also in DT paper, tedious rates. It was impossible. It was kind of impossible for us to remember all. Matlab, of those basically, papers. What Rohini is suggesting is become Gajani, right on the wall and all. Matlab, passion bana lo. जिन लोग offline मेरे classes कर रखे हैं ना offline classes, मैं आपको बताता हूँ. मेरे जिन लोग offline classes कर रखे हैं, मेरा पूरा दीवार जो है ना कमली लॉ से भरा हुआ है. मैंने किया. Exactly. Number हर जगह लिखा हुआ है sir. Section number. Yes, correct, Jishan. पूरा दीवार मेरा जो है ना वॉल पूरा कंपनी लॉ से भरा हुआ है. खैर अब तो रेनोवेशन हो गया, फिर से वो लगाएंगे. बट प्री कोरोना पूरा दीवार जो है ना
सेक्शन 1 से 470 तक लगातार पूरा कंपनी लॉ जो है लिखा हुआ था दीवारों पर। सर उसकी वजह से लर्न हो गया था, हम लोग आते जाते सेक्शन ऊपर नीचे जाते रहते थे, कभी क्लास वाला दोबारा वेट करना पड़ रहा है, पढ़ो दैट रियली है, सो दैट इज एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। माय एंटायर रूम इज फिल्ड विद वॉल्स स्टक पेपर्स स्टक ऑन दोस वॉल्स एंड ऑल द फार्मूलास आर रिटन ऑन इट, सो दैट रियली हेल्प्ड मी, आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू लव योर स्टडीज, व्हेन यू make the studies as the only goal, as your passion, Pitur, tabhi hoga. So wish you the very best and thank you for taking out time for the young CMAs, okay? And wish you all the very best. God bless you with huge packages, high amount of packages or in business, if you are going for the business and just stay connected, it will feel very nice. Thank you. Lots of love. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, sir.